नमस्कार। आज मैं अपने प्रधानमंत्री जी से मुखातिब होना चाहती हूँ। आपने कई बार अपनी मन की बात कही, लेकिन आज इस घड़ी में मैं अपनी मन की बात आपसे करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि मेरी ये बातें आप तक पहुँचे। प्रधानमंत्री जी, हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि देश में और विश्व में एक महामारी फैली है, लेकिन उस महामारी के कारण आज कई सारे गरीब, श्रमिक, मजदूर, किसान, महिलाएं, जो खास करके बहुत सारे श्रमिक महिलाएं भूखी प्यासी अपने घर पहुंचने की आस में रास्तों पर लोग मर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, ये श्रमिक हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ, आपको इस देश ने प्रधानमंत्री चुना है, आप इस देश के प्रधान सेवक हैं। अगर इस घड़ी में आप इस देश के गरीब के काम नहीं आए तो कब आएंगे? अपना प्रधान कोष खोलिए और इन श्रमिकों की मदद कीजिए। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इन लोगों को जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो भटक रहे हैं, बस अपने घर पहुंचना चाहते हैं, जिद में हैं कि अपने घर जाएं, अपने परिवार के साथ वहां पर चाहे मर जाए लेकिन वहां पर अपने घर में पहुंचे, और ये आपका दायित्व बनता है कि आप उन्हें सुरक्षित, सही सलामत खिला पिला कर अपने घर पहुंचाएं। मेरी आपसे ये इल्तिजा है और अनुरोध भी है कि क्योंकि इस महामारी ने पूरे विश्व भर में जो इकोनॉमिक क्राइसिस फैला है, मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई विशेषज्ञ हूँ या मुझे बहुत कोई जानकारी है, पर फिर भी जितनी मेरी समझ है और जितना मैं समझ पा सकती हूँ, मैं बस इतना सुझाव एक मामूली नागरिक होने के नाते आपको देना चाहती हूँ कि तुरंत ही 10,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल दीजिए, ताकि वे अपने परिवार को ठीक से उनकी देखरेख कर सके, इज्जत से उनकी देखरेख कर सके, उन्हें 2 वक्त का खाना मिल सके, और इसके बाद हर महीने 6 महीने तक 7,500 रुपये उनके अकाउंट में डाल दीजिएगा। और ये कर्ज के तौर पे नहीं, एक न्याय समझ के उन्हें दे दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी, मेरी आपसे ये भी इल्तिजा है कि आप, क्योंकि लोगों के बिजनेसेस को बहुत, व्यापार को बहुत ठेस पहुंची है, उन लोगों के पास कोई जरिया नहीं है अभी अपना काम शुरू करने के लिए, इसलिए छोटे व्यापारियों को अपनी ज़िंदगी और गुजर बसर शुरू करने के लिए कर नहीं, कुछ पैसे दीजिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें। और अंत में जो मनरेगा के 100 दिन हैं, उसे आप 200 दिन में तब्दील कर दीजिए, ताकि इन लोगों का भला हो। आप तक अगर मेरी बात पहुंची है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी, और अगर आपने मेरी बात मानी तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। इस महामारी के समय पर आप हमारे प्रधानमंत्री हैं और हम तो सिर्फ आपको सुझाव दे सकते हैं। उम्मीद है कि इस सुझाव को आप ज़रूर लेंगे, क्योंकि आपके सिवा इस समाधान का हल इस घड़ी में, इस समय पर और किसी के पास नहीं है। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, विनती है कि आप जल्द
से जल्द शीघ्र ही ये दो तीन काम तुरंत करें। धन्यवाद, मैं आपकी आभारी रहूंगी।